Horizon Hospital, विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध, जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज, Horizon Hospital, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर। नमस्कार, मैं तेज सिन्हा और आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। टेम्पल सिटी सूर्य नारायण में कोरोना महामारी के चलते भगवान जी की रथ यात्रा नहीं निकाली गई। श्री जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा का त्योहार बड़े ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिवरी नारायण नगर में मनाया गया, किंतु वर्षों से चली आ रही रथ यात्रा नगर में नहीं निकली गई। विदित हो कि शिवरी नारायण को भगवान जगन्नाथ स्वामी का मूल स्थान माना जाता है। यहाँ जगन्नाथ पुरी की तरह ही बड़े पैमाने पर बड़े ही श्रद्धा एवं भक्ति के साथ रथ यात्रा का त्योहार विगत लगभग 200 वर्षों से निरंतर आयोजित होते आ रही है, किंतु वर्तमान में कोरोना महामारी के संक्रमण के चलते रथ यात्रा नगर में भ्रमण के लिए नहीं निकाली गई। उग्रेश्वर गोपाल के वर्ते शिवरी नारायण से। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष शिवरी नारायण मठ मंदिर से रथ यात्रा का जो यह पावन पर्व जो है वो मनाया जाता था, हर्षोल्लास पूर्वक यहाँ से विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद शिवरी नारायण नगर में निकाला जाता था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते कि कोर्ट के आदेश और निर्देश अनुसार यहां पर आज लॉकडाउन का पालन करते हुए भगवान श्री जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा जी को मंदिर में ही घुमाया गया और उसके तत्पश्चात मंदिर में ही यहां पर उनको स्थापित किया गया है। इसके बारे में हमें मठ मंदिर के मुख्तियार श्री सुखराम दास जी महाराज ने जैसा कि हमें बताया, आइए जानते हैं उनसे इस रथ यात्रा के बारे में। भगवान शिवरीनारायण मठ मंदिर से प्रत्येक वर्ष तो रथ यात्रा निकलती थी। आज महामारी को देखते हुए कोरोना संक्रमित ना हो इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसी के तहत सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए उनका जो पूजन पाठ का जो प्रक्रिया है, भोगराग की प्रक्रिया है, गजा मूंग प्रसाद की व्यवस्था का प्रक्रिया है, वो सब हम लोगों ने किया और भगवान की पूजा आरती भी की, लोगों को सोशल डिस्टेंस में रख करके प्रसाद का वितरण भी किया और निश्चित रूप से दर्शनार्थियों की काफ़ी भीड़ होती और संक्रमण फैलने की एक अंदेशा था जिसके तहत उन्होंने ऐसा किया है, तो निश्चित ही हम राजश्री महंतराम सुंदरदास जी महाराज के निर्देशानुसार सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उन्होंने बताया हमको कि ऐसा नहीं करना है कि हमको रथ निकालें, और इसलिए हम लोग रथ को नहीं निकाले। भगवान शिवरीनारायण मंदिर परिसर पर ही भगवान जगन्नाथ जी को घुमाया गया भगवान का राम नाम करते हुए और घुमा करके ला करके एक कमरे में उनको स्थापित अभी कर दिए हैं। वो बहुरा चौथ को लौटेगी 10 दिन बाद। प्रत्येक वर्ष जैसे कि रथ यात्रा जो है वो शिवरीनारायण मठ मंदिर से निकाला जाता था और वो जनरली नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जनकपुर सिंदूरगिरी को जाती थी। इस दौरान हजारों की तादाद में श्रद्धालु जो है वो रथ की पहिया को खींचने के लिए और भगवान के दर्शन के लिए आतुर और ललायत आते नजर आते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लोग बाग कम आए, दर्शनार्थी तो दिखे बहुत और अभी भी दर्शन उनका कर रहे हैं, परंतु जो भीड़ दिखने को मिलती थी वो इस कोरोना संक्रमण की वजह से कम दिखने को मिली, पर भगवान के प्रति आस्था लोगों में दिखी। काफ़ी भीड़ तो थी और हम लोग निकालते तो शायद काफ़ी भीड़ होती, क्योंकि रथ यात्रा निकलती है तो हर घर से एक पूजा की थाली, नारियल और गजामूंग का प्रसाद लेने के लिए लोग अपने घर के द्वार पे खड़े होते हैं। भगवान जो है आज जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी लोगों के घर तक पहुँचते हैं, मुख्य मार्ग से भगवान शिवरीनारायण निकालते हैं रथ यात्रा, तो मुख्य मार्ग से होते हुए सबके घर के दरवाजे तक पहुंचती है रथ जो है। कि यहाँ पर मठ मंदिर के मुख्तियार श्री सुखराम दास जी महाराज एवं पुजारी श्री त्यागी जी महाराज ने जैसा कि हमें बताया कि ये लॉकडाउन के चलते, कोरोना वायरस के चलते पहली बार ऐसा हुआ है कि यह जो रथ यात्रा का जो पर्व है इस प्रकार से मनाया गया। धार्मिक नगरी शिवरीनारायण से कैमरामैन अजय कुमार केवर्ती के साथ उग्रेश्वर गोपाल केवर्ती शिवरीनारायण। आज रथ यात्रा का पर्व है, लेकिन महामारी के कारण उसका ठीक ढंग से नहीं हो पाया और दर्शनार्थी यहीं पर मठी में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। वैश्विक महामारी के कारण 200 साल बाद आज रथ यात्रा प्रतीकात्मक रूप से पूजन पाठ करके और भगवान को रथ में विराजमान करके सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए पुनः अपने स्थान में वापस लाया गया है और इस वर्ष शासन के निर्देशानुसार वैश्विक महामारी के कारण रथ यात्रा का कार्यक्रम नहीं हो पाया। इस बार श्रद्धालुओं ने
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन किए और पुण्य लाभ लिए।